बुद्ध के उपदेश से मन को विचलन से कैसे नियंत्रित करें, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बुद्ध के उपदेशों से अपने मन को विचलन से बचा सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं और मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। आइए जानते हैं वह तीन पहलू जो बुद्ध के मार्गदर्शन से प्रेरित है। पहला, ध्यान की विधि। बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना था। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और विचलनों से दूर रह सकते हैं। दूसरा, अनुशासन। बुद्ध ने अनुशासन को मन को विचलन से बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया। हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए और आखिर में अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहे। बुद्ध के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहिए। विचलनों से बचने के लिए हमें अपने कामों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखनी चाहिए। इन उपायों को अपनाकर हम अपने मन को विचलन से बचा सकते हैं और जीवन में शांति और सुख की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान और अनुशासन के माध्यम से हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। अधिक बुद्ध उपदेश जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे।